Hello, my heroes and heroines. Welcome or welcome back to Sheroine. So, I am noticing so many stories on WhatsApp, Instagram, from all my female friends कि भाई पार्लर बंद हो गया, फेशियल नहीं कर पा रहे, थ्रेडिंग नहीं कर पा रहे, आईब्रो ज़्यादा बढ़ गए हैं. एंड आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पास वो मॉम सीक्रेट सारी रेमेडीज है दैट आई नॉर्मली यूज ऑन द डेली बेसिस. आई नेवर वेंट फॉर क्लीनिंग फेशियल और क्लीन अप्स ऑन इन पार्लर्स. सो मैं हमेशा ये सारे स्टेप्स घर पे करती थी. हार्डली 5 to 6 steps होते थे. सो इफ यू वॉन्ट टू नो आई शे आई आई थिंक कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए बिकॉज वी आरंट अलाउड टू गो आउटसाइड. सो यू नो ब्यूटी इज मस्ट. सो दैट्स द रीजन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप ऑन वॉचिंग. सो टू बिगिन विद फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज अ फेस वॉश टू क्लीन अप माई फेस. आई यूज एवर यूथ लेमन एंड चेरी फेस वॉश. इन फेस वॉश आई ऑलवेज चूज अ लेमन विच हैज समथिंग इन लेमन. पहले मैं लेमन एंड नीम यूज करती थी बिकॉज आई गेस फॉर माई स्किन लेमन इज रियली सुटेबल. सो आफ्टर दिस आई हैव अप्लाइड एलोवेरा जेल ऑन माई स्किन एंड नथिंग एल्स इवन नाउ. एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर द क्लीन अप इज टोनिंग. दिस इज अ टोमेटो एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन माई फेस जेंटली. हमारी स्किन पे जो कोलाजन प्रोड्यूस होता है उसे ये टोमेटो कम करता है. एंड समर्स में अगर आप देखें तो टैन हो जाती है हमारी स्किन, तो ये टैन को कम करने के लिए मतलब ये ट्राई करता है. अगर आप इसे वीक में 1 से 2 बार यूज करें तो इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल ऑन योर स्किन. एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक इसे अपने फेस पे से सर्कुलेट करते रहिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश इट विद अ नाइस वॉर्म टॉवल. मेक श्योर इट इज रियली क्लीन. द स्किन विल बी डी टैंड इन सेकेंड्स एंड इट विल बी सो ब्यूटिफुल. तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. ये है माई मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर स्क्रबिंग. इट्स हल्दी, शुगर एंड सम लेमन. हल्दी आप थोड़ी कम क्वांटिटी में ले, एंड ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा येलोइश दिखने लगेगा. ये तो बेसिक चीज़ है. एंड स्टार्ट रबिंग इट ऑन योर फेस रियली जेंटली बिकॉज कभी कभी स्किन बहुत सेंसिटिव होता है तो मार्क्स रह जाएंगे अगर आप ज़्यादा डीपली से स्क्रब करेंगे तो. ये आयश आई एम 100% श्योर इसे यूज़ करने के बाद योर स्किन विल बी बटरी सॉफ्ट एंड स्मूथ. आई एम यूजिंग इट फ्रॉम सो मच टाइम. एंड अगर आपको एक्ने है तो पहले पहले थोड़ा जलेगा बट ट्रस्ट मी इट वुड बी अमेजिंग. रिजल्ट्स वुड बी लाइक रियली ग्रेट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर फेस. क्लीन हो जाता है स्किन इस मेथड के बाद. मुझे बहुत पसंद है ये मेथड. After this step, you can add steaming your skin. I am not adding it now, but you can add it. After steaming, you can go for this step. I have already steamed my skin in the morning, so steaming your skin 2 times a day is not good. So after cleansing, I will directly go to this step that is. We have to take some besan, yogurt, and some little bit of turmeric. I had already shown you the ingredients. I'll start applying it on my face. Make sure it must be a thick and a nice batter. This is a mixture that I am using from like ages, like so many, from I guess from junior college or school times. This works really well on my skin. स्पीकिंग मुझे भी योगर्ट लगाना अपने फेस पे इतना पसंद नहीं है बिकॉज समवेयर इसका स्मेल मुझे पसंद नहीं है. बट सीरियसली इट वर्क्स अ लॉट. फाइन लाइन्स पे काम करता है एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ड्राई स्किन. इफ यू हैव अ ड्राई स्किन इट वुड मेक योर स्किन लुक फ्लॉलेस. एंड बेसन हेल्प्स टू मेक योर स्किन लुक मोर ब्राइटर एंड यू लुक मोर यंगर एक्चुअली. एंड हल्दी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है. अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो इट वर्क्स एज एन एंटी बैक्टीरियल. और आप इसे अपने फेस पे एटलीस्ट 10 to 15 या 20 मिनट्स तक रखें.
तो एज यू कैन सी ऑन माई फेस ये ड्राई हो चुका है। आफ्टर दैट अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो उससे ये वाइप करें, क्योंकि सिर्फ पानी के साथ ये जाना मुश्किल है। एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइट्स में एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा बट इट्स वी विल ग्लोइंग। गो फॉर द आइसिंग। आइसिंग ऑलवेज हेल्प्स टू श्रिंक योर पोर्स। डोंट फॉरगेट टू ऐड दिट स्टेप एवरी सेकेंड डे बिफोर यू आर गोइंग टू बेड। After this, the step would be coconut oil. I'll be applying some coconut oil, just 2 to 3 drops. If you want to add almond oil, you can also go for that too. This is the step of massaging your skin. Be careful whenever you're massaging. Do massage upwards. Massaging your skin in a right way actually promotes oxygen and betters the blood circulation on the skin. So all the steps are done. I am sure that you can see the results. My skin is looking flawless and it's like कितना ही क्लीन हो गया है स्किन एंड इट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई होप इवन दिस रेमेडी वुड वर्क फॉर यू ऑल्सो। कैन सी द ग्लो ऑन माई स्किन। इट में इफ़ यू डू दिस फॉर 2 times इन अ वीक इट वुड बी ऑसम एंड यू रियली डोंट नीड टू गो टू द पार्लर एंड दिस रियली वर्क्स। कमिंग ऑन द पॉइंट एज ऑलवेज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू शेयर लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। एंड अंटिल वी मीट।